हेलो दोस्तों, उपस्थित हूँ नई जानकारी के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड मेफेनामिक एसिड टेबलेट के बारे में। दोस्तों, इस टेबलेट को आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं या फिर कम प्राइस में आप जेनेरिक मेडिसिन को भी परचेस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं इस टेबलेट के फ़ायदे और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, ये टैबलेट सबसे प्रमुख रूप से पेट दर्द की समस्या में काम में ली जाती है। जिन लोगों को पथरी की समस्या होती है उनमें भी पथरी के कारण पेट में दर्द होता है। तो दोस्तों, ये टैबलेट उस केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करती है जो दर्द का कारण बनता है। इसके अलावा दोस्तों, ये टैबलेट पीरियड में होने वाले पेट दर्द, ब्लीडिंग और कमर दर्द में काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती है। और दोस्तों, जिन लोगों को अल्सर की समस्या होती है उन्हें खाना खाते ही पेट में तेज दर्द होता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये टेबलेट काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा मांसपेशियों की ऐंठन और आंतों से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं में भी ये टेबलेट असरकारक है। और दोस्तों, इस टेबलेट के अगर डोज की बात करें तो सुबह शाम एक एक टेबलेट लेने की सलाह दी जाती है खाने के बाद में, और आप इसे किसी परिस्थिति में खाने से पहले भी ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस टेबलेट की अधिकतम समय अवधि 7 दिन तक रहती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर इसे 10 दिन तक लेने की सलाह भी देते हैं। इसलिए दोस्तों, इस टेबलेट की खुराक बहुत कुछ निर्भर करती है आपकी वर्तमान परिस्थिति के ऊपर। और दोस्तों, अगर आपको लीवर या फिर गुर्दे संबंधी समस्या है तो ये टेबलेट लेने से पहले आप डॉक्टर से बात जरूर करें, और प्रेगनेंसी में भी ये टेबलेट लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस टेबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टेबलेट को लेने से पेट में सूजन, सिर दर्द और एलर्जी जैसे विपरीत परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट में दर्द, अधिक पसीना आना और कभी कभार भूख में कमी की समस्या देखी जाती है। वैसे दोस्तों, ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम मामलों में होते हैं। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण दिखे तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचें।